एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द जाकिर हुसैन कमेटी, जिसको वर्धा स्कीम या बेसिक एजुकेशन के भी नाम से जानते हैं। ये 1937 में आया। द वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, प्रॉपरली नोन एज बेसिक एजुकेशन, ऑक्यूपाइज अ यूनिक प्लेस इन द फील्ड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। वर्धा स्कीम, जिसको बेसिक एजुकेशन एंड जाकिर हुसैन कमेटी के नाम से जानते हैं, इसका बहुत ही यूनिक प्लेस है एलिमेंट्री एजुकेशन इंडिया में। द स्कीम वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलप एन इंडिजियस स्कीम ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया बाई महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के विचारों पर बना हुआ है। द फादर ऑफ आर नेशन, एज अ नेशनलिस्ट लीडर, ही फुली रियलाइज दैट द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन कुड नॉट सर्व द सोशो इकोनॉमिक नीड ऑफ द कंट्री। उन्होंने सोचा कि हमारा जो ब्रिटिश सिस्टम है एजुकेशन का, वो सोशो इकोनॉमिक नीड ऑफ द कंट्री पूरा नहीं कर पाएगा। मतलब बच्चों को बेसिक एजुकेशन के साथ साथ उनको कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाना चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएंगे। हर एक बच्चा जो है हमारी कंट्री का, वो सिर्फ पेन पेपर पे काम नहीं करेगा, वो तो फील्ड वर्क भी उसको सिखाया जाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे फीचर्स दिए, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बेसिक हैंडीक्राफ्ट्स इन द सिलेबस। इन्होंने बोला कि सिलेबस में आप बेसिक हैंडीक्राफ्ट्स को सिखाओ बच्चे को। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट सी द साइलेंट फीचर ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी। फर्स्ट था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इन्होंने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पे फोकस किया फॉर 8 ईयर्स। 8 ईयर्स का जो एजुकेशन है, 6 से 14 तक, 8वीं तक बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। 5 ईयर्स फॉर जूनियर स्टेज एंड 3 ईयर्स फॉर सीनियर स्टेज। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट एंड प्रोडक्टिव वर्क। बच्चे को क्राफ्ट एंड प्रोडक्टिव वर्क दीजिए। एजुकेशन बियॉन्ड एकेडमिक एंड थियोरेटिकल इंस्ट्रक्शन। बियॉन्ड एकेडमिक, जो NCF हमारा बोलता है कि बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, कनेक्ट स्टूडेंट क्लास टू द लाइफ आउटसाइड द क्लास। तो आप ऐसे बच्चे को बियॉन्ड एजुकेशन दीजिए, जो एकेडमिक से बियॉन्ड हो। टू कास्ट इंटेलेक्चुअली इंटू मैनुअल वर्क, बच्चों को मैनुअल वर्क भी करना सिखाइए। इंस्ट्रक्शन मीडियम, इन्होंने इंस्ट्रक्शन मीडियम की बात की कि इंस्ट्रक्शन जो है वो मदर टंग में दिया जाना चाहिए, क्योंकि मदर टंग में बच्चे जो हैं अच्छे से स्पीक, राइट, रीड अच्छे से कर पाते हैं। हेल्पिंग टू डेवलप थॉट्स, उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होती है। एजुकेशन एंड सिटीजनशिप, टू सिक्योर मिनिमम एजुकेशन फॉर ग्रोथ, डिग्निटी एंड एफेंसी। तो इनके ये कुछ पॉइंट्स थे। लेट्स कम टू फ्लेक्सिबल करिकुलम की इन्होंने बात की। बोला कि बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, करिकुलम इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि बच्चे जो पढ़ना चाहें वो पढ़ें, क्योंकि उन पर अगर आप बोझ बनाओगे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। वेरियस सब्जेक्ट, उन्होंने बेसिक क्राफ्ट इन स्कूल, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, मदर टंग, पेंटिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, हिंदी लैंग्वेज मैंडेटरी टू लर्न, नो रिलीजियस एजुकेशन। इन्होंने इन सब बातों पे फोकस किया कि बेसिक क्राफ्ट सिखाइए, मैथमेटिक्स, पेंटिंग, राइटिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, मैंडेटरी बोला इंग्लिश लैंग्वेज को, एंड नो रिलीजियस एजुकेशन शुड बी गिवन इन स्कूल्स। एजुकेशन विथ प्रैक्टिकल प्रोडक्टिव वर्क, उनको प्रैक्टिकली सिखाओ, ये नहीं कि थ्योरी उसे सिर्फ रटा रहे हैं। एजुकेशन कोरिलेटेड विथ सोशल इन्वॉल्वमेंट एंड सोशल सॉलिडरिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ऐसा एजुकेशन बच्चों को दिया जाना चाहिए जिससे वो सोशल इन्वॉल्वमेंट को, सोशल सॉलिडरिटी को एंड नेशनल इंटीग्रेशन को पहचाने और अपने आप को एक दूसरे के साथ हारमनी बना के रहें। लेट्स टॉक अबाउट सम डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्धा स्कीम और बेसिक एजुकेशन। Neglecting education for young age learners above 14. इन्होंने सारा फोकस जो है प्राइमरी एजुकेशन एंड एलिमेंट्री एजुकेशन पे किया। यंग के बारे में, यंग बच्चों के बारे में कोई एजुकेशन की बात नहीं की। इग्नोरेंस ऑफ एडोलेसेंस एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। वहीं इन्होंने सिर्फ प्राइमरी की बात की, एडोलेसेंस एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन की बात नहीं की। इग्नोरिंग साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, इन्होंने साइंस पढ़ाने की कोई बात नहीं की, तो साइंटिफिक इन्वेंशन की कोई बात नहीं हुई। क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन कैन नॉट लर्न एंड मे लेटर फेस डिफ़िकल्टीज इन एक्वायरिंग हायर एजुकेशन विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो इन्होंने बात की है कि क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, या तो बच्चे क्राफ्ट ज़्यादा सीखने लग जाएंगे, क्राफ्ट में इतना इंग्रॉस्ड हो जाएंगे कि वो बड़े हो कि हायर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी एंड साइंस को वो समझ ही नहीं पाए,
ये बात इन्होंने बोला जो इसका डिसएडवांटेज है, हैंडीक्राफ्ट वर्क वॉज लाइक एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रेन टू कॉपरेट देयर पेरेंट्स इन द फील्ड दैट डिस्ट्रैक्ट देयर अटेंशन फ्रॉम स्टडी ड्यू टू फटीग विथ फिजिकल एंड मेंटल हरासमेंट। अब देखिए बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ भी बाहर काम करते हैं, स्कूल में भी उनको वैसे ही प्रैक्टिकल और बेस उनसे काम करवाया जाएगा तो वो फटीग के कारण कहीं स्कूल ही आना बंद कर दें। क्रिटिसाइज ड्यू टू टर्निंग द चिल्ड्रेन फ्रॉम स्कूल इंटू स्मॉल इंडस्ट्री, ये जो है इस क्रिटिसाइज़ किया जाता है वर्धा स्कीम को, क्योंकि ये बच्चे को स्कूल छोड़ के स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ इसको डाइवर्ट कर रहा है। नेगलेक्ट ऑफ लिबरल एजुकेशन ड्यू टू मच एम्फेसिस ऑन क्राफ्ट, लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स रिजल्टेड फेलियर, इन्होंने टीचर ट्रेनिंग की कोई बात नहीं की, जब तक टीचर ट्रेन नहीं होंगे तब तक ये क्राफ्ट और प्रैक्टिकल अप्रोच ये सब कैसे हो पाएगा। सो दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ जाकिर हुसैन कमेटी या वर्धा स्कीम या बेसिक एजुकेशन। Thank you.